सो हे गाइस, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पहली बार इस चैनल में हुक्का बनाने जा रहे हैं। विंटर सीजन आ चुका है, जैसे कि तुम देख सकते हो नवंबर घुसने वाला है, तो अभी हुक्का का सीजन आ चुका है। क्योंकि समर सीजन में मुझे नहीं लगता कोई हुक्का पीता हुआ है, उतना गर्मी में हुक्का पियोगे तो पेट खराब हो जाएगा और मज़ा भी नहीं आएगा। विंटर सीजन इज़ फॉर हुक्का सीजन, सो आज हम लोग हुक्का बनाएंगे। तो जो चीज़ें हमें लगेगी इस प्रोसेस में, हुक्का बनाने का प्रोसेस में, तो सबसे पहले है हमारा बेस, इसमें हम लोग पानी भरेंगे इतना तक, चिमनी, इसे क्या कहते हैं, चिलम जो यहाँ पे बैठेगा, पाइप, फ्लेवर, जो मैंने फ्लेवर लाया हूँ कि ये वाला मेरा फेवरेट, तीन पान रोज। मुझे पान का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ज़्यादा स्मेलिंग होता है, काफ़ी अच्छा सुगंध आता है अच्छा सा, और काफ़ी स्मोकी भी है और काफ़ी कम प्राइस में, 40 रुपीज़ ओनली। और बाकी रहा कोल, मैंने मैजिक कोल लिया है, आप कोई भी कोल यूज़ कर सकते हो। लाइटर ऑब्वियसली, फॉइल पेपर इसको कवर करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेस को पानी से भरेंगे इतना तक। ज्यादा भी नहीं, पूरा टॉप नहीं करना, सिर्फ इतना हो गया। अब हम लोग फ्लेवर को बनाएंगे। तो फ्लेवर कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा ब्लैक पैकेटिंग में आता है। वाह, सो ये है हमारा फ्लेवर, ये काफी अच्छा स्मेल कर रहा है, पान का, तीन पान रोज। इसमें थोड़ा सा पान का फ्लेवर भी है और रोज का फ्लेवर भी है, तो हम लोग ज़्यादा नहीं लेंगे, इतना काफ़ी होगा इसको अच्छे से थोड़ा। और अगर आपके फ्लेवर में ये सब आ रहा है, ये पत्ता वत्ता, ये डंडा जो भी आ रहा है, उसको साइड कर देना, उसको यूज़ मत करना, नहीं तो फ्लेवर ख़राब हो सकता है। इसमें से काफ़ी रस निकल रहा है जैसे कि तुम देख सकते हो ये, तो ये निकाल देना जितना भी हो सके, उतना अच्छे से निकाल देना, ज़्यादा प्रेशर भी मत देना, लेकिन हाँ थोड़ा सा निकल जाना चाहिए, नहीं तो चोक कर सकता है, गले में लग सकता है। तो अब लेंगे हमारा चिलम, इसमें बीच में होल्स है, तो ये होल्स कवर नहीं होना चाहिए, ये होल्स ऐसे ओपन रहेगा, हम लोग सिर्फ साइड में फ्लेवर देंगे। तो मेरे हिसाब से और थोड़ा लगेगा क्योंकि ये फुल करना है और होल्स भी बंद नहीं होना चाहिए। तो कुछ ऐसा दिखेगा, बीच में होल्स है, वो कवर नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्मोक नहीं आएगा। और साइड में पूरा हम लोग फ्लेवर को, जिसको हमने अब तक स्मगल किया है, उसको प्रेस किया है या जो भी किया है, वो मेरे को ठीक वर्ड याद नहीं आ रहा, नहीं तो मतलब अच्छे से रस निकाल लेना, उसके बाद ऐसे कवर कर देना। तो हो गया, इसको कवर करेंगे ऐसे फॉइल पेपर से। आपको ये कहीं पर भी मिल जाएगा, पान शॉप में आप, या कहीं से भी जहाँ से आप हुक्का फ्लेवर खरीद रहे हो। तो मैं ऐसा दो ठो लूँगा क्योंकि ये थोड़ा पतला है, तो आपको अगर मोटा मिल सकता है तो आप वो एक ही लगाएं। ये शाइनिंग वाला नीचे रखेंगे और ये नॉन शाइनिंग वाला ऊपर। अच्छे से प्रेस करके कि हवा ना जाए, ऐसे हम लोग टोटली बंद कर देंगे। और फिर पिन, अब ये जो पिन है, हम लोग साइड में ऐसे सर्कल में जाएंगे होल बनाते हुए। तो कुछ ऐसा दिखेगा, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, सर्कल में
अब हम लोग अपने हुक्का में इसको बैठाएंगे यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो। ये प्लेट दिया जाता है कि आपका जो ऐश ऐश है या कुछ गंदगी है, जैसे इस कोल का कुछ ऐश गिरने वाला है तो इसमें गिरेगा। तो ये आप ऐसे लगा लेंगे, ऐसे टॉप अप कर देंगे, लगा दिए चिमनी। फिर हमारा पाइप, तो ये इसका मुंह थोड़ा छोटा था इसलिए मैंने रैपर से पेपर से थोड़ा टाइट कर दिया। फिर जो हमारा कोल है, ये मैजिक कोल है, ये कुछ ऐसा दिखता है। इसको हम 1.5 लेंगे, उसके लिए थोड़ा सा कम, 1/4 बोल सकते हो। ये काफ़ी छोटा है। आपका अगर चिमनी बड़ा है तो आप, मतलब अगर सेटअप बड़ा है तो आप यूज़ कर सकते हो। आपका अगर हुक्का का शीशा बड़ा है तो हम लोग इसको जला लेंगे। तो ठीक, कुछ ऐसे जलेगा, ये खुद ब खुद जल जाएगा, मैजिक कोल है। तो ये पूरा जलने के बाद रेड हो जाएगा, फिर देखते हैं। ये पानी, पाइप, फ्लेवर, तीन पान रोज। तो जलने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये जल चुका है, बन चुका है। अब इसे चार्ज करना पड़ेगा, तो आप अच्छे से 10-12 राउंड लेने के बाद ये अच्छे से चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे स्मोक हो जाएगा और आप फिर पी सकते हो। तो चलो चार्ज कर लेते हैं। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाएगा। फाइनली हमारा हुक्का चार्ज भी हो चुका है और रेडी हो चुका है। स्मोक भी काफ़ी अच्छा है और स्मेल तो, मतलब तीन पान रोज का स्मेल काफ़ी अच्छा है। आप कोई भी अलग फ्लेवर यूज़ कर सकते हो, आपका मर्जी। नहीं बना, ऑब्वियसली प्रैक्टिस जा चुका है, बहुत दिन हो गया नहीं पिए तो प्रैक्टिस चला गया। तो बस यही था आज का वीडियो में, हाउ टू मेक अ शीशा, परफेक्ट शीशा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि वो ज़रूरी है। आप मैक्सिमम लोग देख के भाग जा रहे हैं तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हम लोग मिलेंगे फिर नया एक वीडियो में। तब तक ले, बाय।